भोजपुरी संगीत एवं संगीत की आवाज का जादू दुनिया के हर कोने में दौड़ता है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं संगीत में बढ़ती अश्लीलता ने यहाँ के लोक संगीत को दबा कर रख दिया है एवं यहाँ के लोक संगीत की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए भोजपुरी की मशहूर गायिका कल्पना पटवारी बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकारों के साथ एक एल्बम में काम करने जा रही हैं, जिसमें भारत के तमाम लोक गीतों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बिहार के रोपड़ी संगीत के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जब गर्मियों की छुट्टी होती थी गाँव जाते थे, और जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो माट होता है, कादा होता है खेती में, और उस पर अंदर जाना, और धान की जब खेती होती है ना, उससे पहले उसको रोपा जाता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, रोपनी बोलते हैं। इनफैक्ट रोपनी के भी गीत है हमारे लोक संगीत में, और वहाँ जाके उसको रोपना, और पेडीफिल्स अचानक मुझे वहाँ तक ले गए मेरे बचपन तक, और तो उस नाम से जाहिर सी बात है संगीत में क्या क्या होने वाला है। और जहाँ तक मेरी बात है, थ्रू रूप पॉइंट्स मैं अलग अलग भाषा को एक्सप्लोर कर रही हूँ एक्चुअली, एंड 30 भाषा में मैं अब तक गा चुकी हूँ, और मुझे पसंद है अलग अलग भाषा में बोलियों में गाना। सो राजस्थानी, पंजाबी, ऑफ कोर्स मैं आसाम से हूँ, एसमीज, भोजपुरी, भोजपुरी के बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, और बहुत ही बंगाली ऑल्सो, एंड सो एक साथ भाषा साहित्य को, मेरे लिए वो भाषा साहित्य की एक यात्रा है। और मैं चिंतित हूँ आजकल हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे किस भाषा में सोचते हैं आजकल, मैं इसमें लगी हुई, किस भाषा में हम सोच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ऑफकोर्स वो है, बट हम किस भाषा में सोचते हैं वो ही एक्चुअली कायम रखेगा मेरी रूट्स, मतलब बच्चों तक है कि नहीं, पहुँचे कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आगे अगर इस बारे में सोचा जाए भाषा साहित्य को लेकर, तो और मेरे लिए वो और खुशी की बात होगी। बाकी कांग्रेस। इसके बाद कल्पना ने अपनी मधुर आवाज से गाकर भी इस गीत की मिठास को दर्शाया। राम भैले जो गया लखन बाया रगया की दुनो भैया हो गई ले फा की अगरवा में डर ली होले तुलसी जी के मलवा हे नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की ओर से अभिलाष की रिपोर्ट।